टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी। भारत में भगवान गणेश की एक सिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों में चिंतामण भगवान गणेश मंदिर भी है। भारत में कुल 4 चिंतामण मंदिर हैं। माना जाता है कि चिंतामण मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारत का चिंतामण गणेश मंदिर। चिंतामण मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थलों में से है एक। भारत में एक नहीं 4 हैं चिंतामण गणेश मंदिर। सभी मंदिरों की मूर्तियां हैं स्वयंभू। भक्तों की इच्छा होती है यहां पूरी। हर चिंता दूर करते हैं चिंतामण गणेश जी। रामायण काल से स्थापित है मंदिर। मंदिर में बनाया जाता है उल्टा स्वास्तिक। भारत में भगवान गणेश की कई सिद्ध मंदिर हैं। उन मंदिरों में चिंतामण गणेश मंदिर भी एक है। भारत में कुल 4 चिंतामण मंदिर हैं। माना जाता है कि चिंतामण मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर स्थित है। ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्राचीन मंदिर चिंतामण गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश जी के इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं। गौरीसुत गणेश की 3 प्रतिमाएं गर्भगृह में प्रवेश करते ही दिखाई देती हैं। ये पार्वती नंदन 3 रूपों में विराजमान है। पहला चिंतामण, दूसरा इच्छामण और तीसरा सिद्धि विनायक। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। यहाँ दर्शन करने वाले व्यक्ति की सभी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और वे चिंता मुक्त हो जाते हैं। बुधवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भारत में चिंतामण गणेश मंदिर भोपाल, सिंगौर, उज्जैन, गुजरात और रणथंभौर में है। इन मंदिरों की स्थापना की कई कहानियां चर्चित हैं। मान्यता है कि इन गणेश मंदिरों की स्थापना भगवान गणेश ने खुद की थी या भक्त को सपने में आकर स्थापना करने की बात कही थी। चिंतामण गणेश मंदिर परंपराकालीन है, जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर के शिखर पर सिंह विराजमान है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिंतामण गणेश सीता द्वारा स्थापित षट विनायकों में से एक है। कहते हैं कि ये मंदिर रामायण काल में राम वनवास के समय का है, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में घूम रहे थे। तभी सीता को बड़ी जोरों की प्यास लगी। राम ने लक्ष्मण से पानी लाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। पहली बार लक्ष्मण द्वारा किसी काम को मना करने से राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान द्वारा समझ लिया कि ये सब यहाँ की दोष सहित धरती का कमाल है। तब उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ गणपति मंदिर की स्थापना की, जिसके प्रभाव से बाद में लक्ष्मण ने यहाँ एक बावड़ी बनाई, जिसे लक्ष्मण बावड़ी कहा जाता है। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि भोपाल में स्थित चिंतामण गणेश मंदिर के बारे में, इस मंदिर की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ स्थापित मूर्ति भगवान गणेश ने उन्हें स्वयं दी थी। कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी राजा विक्रमादित्य के सपने में आए और बताया कि पार्वती नंदन के तट पर पुष्प रूप में मेरी मूर्ति है, इसे स्थापित करो। स्वप्न में जो बातें गणेश जी ने राजा को बताई थी उसी तरह विक्रमादित्य ने किया। जब वे पार्वती नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें पुष्प मिला।
इसके बाद राजा वो पुष्प लेकर वापस लौटने लगे। इस दौरान रास्ते में रात हो गई और वह पुष्प अचानक गिर गया और वो पुष्प श्री गणेश की मूर्ति के रूप में परिवर्तित होकर जमीन में धस गई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उस मूर्ति को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने गणपति की मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण कराया। तब से ही इस मंदिर को चिंतामण मंदिर के नाम से जाना जाता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु यहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं और उल्टा स्वास्तिक भी बनाते हैं। मन्नत के लिए दूध, दही, चावल और नारियल में से किसी एक वस्तु को चढ़ाया जाता है और जब वह इच्छा पूर्ण हो जाती है तब उसी वस्तु को यहाँ दान किया जाता है। ये मंदिर अपने आप में अनोखा और उसके पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी है। इन्हीं में से एक है चिंतामण गणेश मंदिर। यहाँ स्वयंभू मूर्ति है जिसका अर्थ है अपने आप जमीन से प्रकट होने वाली मूर्ति। गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।